सतनाम वाहे गुरु सतनाम। अच्छा कल मैंने आप लोगों को बोला था मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाऊंगी, बोला था कहानी सुनिए, कहानी सुनिए, हाँ कहानी सुनिए आपको। अच्छा तो आज ना मैं आपको कहानी सुनाऊंगी गुरु तेग बहादुर की, ठीक है। गुरु तेग बहादुर नाम के आगे क्या लगा है, गुरु, तो वो किसके गुरु हैं और पीछे क्या नाम है, बहादुर, ठीक है। तो बहादुर का मतलब कौन बताएगा मुझे, बहादुर ब्रेव, साहसी, जो बहुत साहस होता है ना जिसके अंदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेव बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, बहादुर, ठीक है। तो गुरु तेग बहादुर किसके गुरु हैं, वो नाइन्थ गुरु हैं हमारे, हमारे नाइन्थ गुरु हैं। और तो इसका मतलब 1, 2, 3, 4 भी तो कोई होगा, है ना, तो उसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, आज हम लोग गुरु तेग बहादुर जी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और आपके स्कूल में ना 21 अप्रैल को गुरु तेग बहादुर जयंती मनाई जाती है, छुट्टी होती है आप लोगों की, आपको तो पता नहीं होगा छुट्टी होती है ना, तो छुट्टी होती है तो हमें तो पता नहीं चलता है कि क्या है, राइट। तो जयंती क्या चीज़ होती है, जन्मदिन जब हम किसी का मनाते हैं ना तो उसको हम जयंती बोलते हैं, उसकी हम जय करते हैं, ठीक है। तो गुरु तेग बहादुर का जो जन्म है वो 21 अप्रैल को हुआ, 21 अप्रैल को, ठीक है। और कहाँ पर हुआ, अमृतसर में। अमृत सबको पता है अमृत क्या चीज होती है, अमृत एक होता है विष और एक होता है अमृत, ठीक है। तो अमृतसर, अमृतसर कहाँ पर है, पंजाब में, ठीक है। अमृतसर पंजाब में गुरु तेग बहादुर का जन्म हुआ। तो क्या उनका नाम बचपन से गुरु तेग बहादुर था, नहीं, उनका तो कुछ नाम होगा, जैसे आप लोगों का कुछ नाम है, किसी का नाम राहुल है, किसी का नाम पिंकी है, किसी का नाम राम है, राजा है, कुछ बोलते हैं ना इसे। तो उनका बचपन का नाम था त्यागमल, त्यागमल, ठीक है। तो उनकी मम्मी कौन थी, मम्मी, मम्मी का नाम था माता नानकी, ठीक है। और पिताजी का नाम क्या था, गुरु हरगोबिंद। और बचपन से ही ना उनको सारी चीजें सिखाई गई थी, ठीक है, जैसे आर्चरी, आर्चरी मालूम है आप लोगों को, तीर धनुष चलाते हैं ना, आपने देखा है राज भगवान जी, राम जी जो होते हैं उनके हाथ में तीर धनुष होता है, तो वो आर्चरी कर सीखी थी उन्होंने, वो घोड़ा चलाना भी जानते थे, हॉर्स राइडिंग भी आती थी उनको, ठीक है। और उनको क्या आता था, उनको मार्शल आर्ट्स आती थी, जैसे आप लोग सीखते हो ना ताइक्वांडो, है ना, कराटे, तो वो मार्शल आर्ट्स भी उनको आती थी। तो ये सब चीज़ें उन्होंने बचपन में सीखी थी। तो जब वो 13 साल की उम्र के थे ना, तो उन्होंने बोला वो एक युद्ध में गए थे अपने पिताजी के साथ, उनके पिताजी उनको लेकर के गए। अब युद्ध में जाने के बाद क्या हुआ, वहाँ पे बहुत अच्छे से उन्होंने ना घोड़ा चलाया, अपने जो दुश्मन थे, दुश्मन कौन था उस समय में, मुगल, मुगल जो थे वो दुश्मन थे, ठीक है। तो उन मुगल्स को हरा करके वो लौट करके आए। तो जब वो हरा करके लौट करके आए ना, तो उनका नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, बहादुर, ठीक है। जब उन्होंने बहुत साहस का नाम दिया था ना, हाँ तेग बहादुर, उनका नाम हो गया तेग बहादुर, त्यागमल से उनका नाम तेग बहादुर पड़ गया, ठीक है। अब थोड़े बड़े हो गए, धीरे 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 जब बड़े हो गए, शादी हो गई, तो शादी हो गई तो एक प्यारा सा उनका एक बच्चा भी हुआ। लेकिन और ना उसके बाद वो क्या करते थे, शादी किससे हुई थी, माता गुजरी, ठीक है, उनकी पत्नी का नाम क्या था, माता गुजरी, माता गुजरी। तो माता गुजरी के साथ शादी हो गई, एक बच्चा भी हो गया, बच्चे का नाम उन्होंने रखा गोविंद, क्या नाम रखा, गोविंद, गोविंद। तो गोविंद जो थे ना, वो भी बिल्कुल बहुत साहसी थे, वीर थे। एक दिन अचानक से क्या हुआ कि उनकी दरबार में ना, गुरु गोविंद, गुरु तेग बहादुर की दरबार में कुछ लोग आए, कश्मीरी पंडित आए। तो कश्मीरी पंडित क्यों आए उनके पास, हमको बचाओ, हमको बचाओ, आप हमको बचाओ, हम लोगों को मारा जा रहा है, हम लोग को काटा जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है कि धर्म परिवर्तन कर लो। कश्मीरी पंडितों से क्या कहा जा रहा था कि आप लोग सब इस्लाम कबूल करो, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे, ठीक है। तो कौन था राजा उस समय में, हिंदुस्तान का राजा कौन था, मुगल, कौन था मुगल, जिसने हमारे ऊपर में शासन किया यहाँ पे आकर के भारत में,
औरंगजेब था उस समय में, ठीक है। और औरंगजेब ना बहुत क्रूर था, बहुत बदमाश था, वो बहुत डराता था सबको, बहुत उसने कितने सारे मंदिर तोड़ दिए, ठीक है। अच्छा अब फिर क्या हुआ, जब दरबार में जब लोग आए और तेग बहादुर जी से उन्होंने कहा कि हमारे को बहुत मारा जा रहा है, हमारे साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, आप हमें बचाइए, आप ही हमारे लिए कुछ कर सकते हो, तो उनका ना एक बेटा था, नाम बताया था मैंने गोविंद, वो 8 साल का था उस समय में। तो उस 8 साल के बच्चे ने क्या कहा आपको मालूम है, कि पिताजी मुझे लगता है आपके अलावा इस जगत में और कोई नहीं है, इस पृथ्वी पर कोई नहीं है जो वो इनकी मदद कर सके। तो गुरु तेग बहादुर ने क्या कहा उस व्यक्ति से, जाओ जाकर के अपने राजा से कह दो, ठीक है, जाओ जाके औरंगजेब से कह दो कि सबसे पहले तेग बहादुर का धर्म परिवर्तन करके दिखाओ, ठीक है। तो वो चला गया, जब वो गया तो औरंगजेब बहुत गुस्सा हुआ, उसको बहुत गुस्सा आया, उसने बोला तेग बहादुर को बुलाओ यहाँ पर। तो तेग बहादुर को दिल्ली बुलाया गया, ठीक है। तेग बहादुर जी दिल्ली पहुंचे, जब दिल्ली पहुंचे तो उनके बहुत सारे दोस्त थे उनके साथ, ठीक है। उनके जो बहुत सारे दोस्त थे उनमें से एक भाई का नाम, एक दोस्त जो था उनके जो साथी थे उनके, उनका नाम था भाई मतीदास। क्या नाम था? भाई मतीदास। तो भाई मतीदास जी को क्या किया गया, उन्होंने आरी से लेकर के उनको काट दिया। आरी जानते हो, जो लकड़ी काटने के काम आती है उसको बोलते हैं ना आरी। तो आरी से उन्होंने क्या किया, उनका शरीर जो था काट डाला। फिर उनका एक और था, उसका नाम था भाई दयाला। तो भाई दयाला को क्या किया, उबलते हुए पानी में डाल दिया, उबलते हुए पानी में उन्होंने उसको उनको बॉयल कर दिया, ठीक है। और एक और उनका था, उसका नाम था भाई सतीदास। तो सतीदास के साथ क्या किया उन्होंने, सतीदास को उन लोगों ने रुई लपेटी चारों तरफ और आग लगा दी। तो उन्होंने क्या सोचा था कि देखो हम लोग ना देखेंगे ये सब, जब तेग बहादुर जी देखेंगे तो डर जाएंगे, और डर जाने के बाद में वो इस्लाम धर्म कबूल कर लेंगे। लेकिन क्या ऐसा हुआ, ऐसा नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या किया सोच के देखो, फिर 11 नवंबर 1675 में जब उन्होंने इस्लाम धर्म को बोला गया कि जाओ करके इनको कलमा पढ़वाओ। कलमा होता है ना, जैसे आप जैसे क्रिश्चियंस में बाइबल पढ़ते हैं, ठीक है, और इसमें धर्म हम लोग वेद पढ़ते हैं, उसी तरीके से कलमा पढ़ाया गया। बोले इनको जाओ कलमा पढ़ाओ और इनको इस्लाम धर्म कबूल कराओ, ठीक है। तो उन्होंने पढ़ने से मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। तो जब औरंगजेब को बहुत गुस्सा आया, उसने क्या किया, तलवार से जो गुरु तेग बहादुर थे उनका गर्दन जो थी वो काट डाली, काट दी। तो उनका जो शीश था सर, वो कहाँ गया, कहाँ पर हुआ ये, चांदनी चौक में, दिल्ली के चांदनी चौक में, ठीक है। तो उनका जो सर था वो एक तरफ गिर गया और धड़ जो था वो अलग हो गया। तो अब क्या किया, तो उनका ना एक भाई था, मतलब उनका एक शिष्य था, उसका नाम था भाई जेता। तो भाई जेता ने क्या किया, उनका जो शीश था उसको उठा करके वो लेकर के गए अनंतपुर साहिब, अनंतपुर साहिब लेके गए। और उनका एक और साथी था, जो शिष्य था उनका, उसका नाम था लखी बंजारा। क्या नाम था? लखी बंजारा। तो उस लखी बंजारा ने क्या किया, उनका जो धड़ था, जो बॉडी थी, बॉडी को उठाया और वो लेकर के गए कहाँ पर, अपने घर। उनका घर कहाँ था, रकाबगंज। वो रकाबगंज लेके गए और अपने घर में रख कर के उन्होंने उस घर को आग लगा दी, ठीक है। तो इससे आपको, आप इससे क्या किया उन्होंने, जो हमारे देश की जो शान थी इनको, इसीलिए आपको पता है हिंद की चादर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हिंद की चादर। उन्होंने इस देश की, भारत की, हिंदुस्तान की इज्जत को बचाया था, ठीक है। और पंडितों के लिए, कश्मीरी पंडितों के लिए और हिंदुस्तान के लिए उन्होंने इतना सब कुछ, अपनी जान की कुर्बानी दे दी। तो उनका एक बेटा था ना, क्या नाम था उसका, गोविंद, है ना। 8 साल का उनका बेटा था। तो उसके बाद उसने क्या किया होगा, हाँ उसने क्या किया होगा बताओ, वो 10वां गुरु बने, वो 10वें गुरु बने। क्या नाम उनका, गुरु गोविंद सिंह। उनके बारे में मैं अगली कहानी बताऊंगी आपको, ठीक है। अच्छी लगी कहानी किसको, किसको अच्छी लगी, मुझे। अच्छा ठीक है, थैंक।
अगली बार मैं आपको गुरु गोविंद सिंह जी की कहानी सुनाऊंगी।